और दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतें 4,39,195 हो गई। मुतासर अफराद की तादाद 81,18,570 तक जा पहुंची। अमेरिका में मोहलिक वायरस 1,18,283 अफराद की जानें निकल गया। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 1,18,283 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 21,82,950 हो चुकी है। अमेरिका के अस्पतालों और करंतीना मराकज में 11,74,801 कोरोना के मरीज जेरे इलाज हैं, जिनमें से 16,716 की हालत तश्वीशनाक है, जबकि 8,89,866 कोरोना मरीज अब तक शिफायाब हो चुके हैं। ब्राजील में कोरोना के मरीजों की तादाद 8,91,556 तक जा पहुंची है, जबकि ये वायरस 44,118 जिंदगियां निगल चुका है। बरतानिया में कोरोना से अमवात की तादाद 41,736 हो गई, जबकि कोरोना के केसेस की तादाद 2,96,857 हो चुकी है। इटली में वायरस की वबा से मजमूई अमवात 34,371 हो चुकी हैं, जहां इस वायरस के अब तक कुल केसेस 2,37,290 रिपोर्ट हुए हैं। फ्रांस में कोरोना वायरस के 22 मजमूई हलाकतें 29,436 हो गई, जबकि केसेस 1,57,372 हो गए। स्पेन में कोरोना के अब तक 2,91,189 मुसद्दका मुतासरीन सामने आए हैं, जबकि इस वबा से अमवात 27,136 हो चुकी हैं। पेरू में कोरोना के 6,860 हलाकतें अब तक हो चुकी हैं, जबकि यहां कोरोना केसेस 2,32,992 रिपोर्ट हुए हैं। जर्मनी में कोरोना से कुल अमवात की तादाद 8,885 हो गई, जबकि केसेस 1,88,044 हो गए। रूस में कुल अमवात 7,091 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 5,37,210 हो चुकी है। भारत में भी कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है और वो इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ गया है। भारत में कोरोना वायरस से 9,915 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासरा मरीजों की तादाद 3,43,091 हो गई। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 8,950 हो गई, जबकि कुल केसेस 1,89,876 हो गए। तुर्की में जान बहक होने वालों की तादाद 4,825 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 1,79,831 हो गए। सऊदी अरब में वायरस से अब तक कुल अमवात 1,011 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि इसके मरीजों की तादाद 1,32,048 तक जा पहुंची है।